हेलो फ्रेंड्स, और कैसे आप लोग यार। तो आपका भाई आप लोग के लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले द मोस्ट फेमस गर्ल सुनीता दीदी के बारे में। हाँ, आज हम बात करने वाले सुनीता दीदी के बारे में कि वो इतना ज़्यादा फेमस कैसी हुई इंडिया में। हाँ, और वो मतलब गर्ल्स में पहले ऐसी लड़की है जिन्होंने 1 मिलियन क्रॉस कर दिया है, वो भी बहुत ईजीली। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि उनके 1 मिलियन इतनी जल्दी कैसे हुए, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया। तो वो नेपाली गर्ल के नाम से भी जानी जाती है और डायमंड क्वीन के नाम से भी जानी जाती है। डायमंड क्वीन से क्यों जानी जाती है, क्योंकि जब भी कोई नया डायमंड रॉयल, नया इंक्यूबेटर, नया वेपन रॉयल या कुछ भी न्यू लीक्स आती थी ना, वो मतलब वही हर चीज़ का रिव्यू करती थी सबसे पहले डायमंड्स के लिए। ठीक है, मतलब जिसकी वेपन रॉयल आया तो सबसे पहले वही उसका रिव्यू कर लेते थे, कैसे मिलेगा, कितने डायमंड्स में मिलेगा। अगर किसी को ये मतलब वेपन रॉयल की कोई गन स्किन लेनी है या कुछ भी लेनी है तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, इंक्यूबेटर के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले वो सुनीता दीदी का चैनल देखता था कि अच्छा ऐसे ऐसे है, इतने डायमंड्स लगेंगे, ये होगा वो होगा, उसके बाद वो चीज़ को परचेस करता था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प की सुनीता दीदी के चैनल को आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो मतलब इंडिया में मतलब बहुत मोस्ट फेमस गर्ल है ये सुनीता दी, मोस्ट फेमस, हर कोई इन्हें जानता है, हर कोई, बच्चे से लेकर बच्चा, बूढ़े से लेकर बूढ़ा तो नहीं, मतलब जो भी फ्री फायर खेलते ज़्यादातर इनको जानते ही हैं। और ये डायमंड क्वीन और नेपाली गर्ल के नाम से जानी जाती है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तो अगर ये यार वीडियो अच्छी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।